हेलो स्टूडेंट, आज हम इस क्लास के अंदर बीएससी पार्ट सेकंड एग्जामिनेशन 2021 की बात करते हैं, यानी कि बीएससी सेकंड ईयर के अंदर जो इस बार एग्ज़ाम हो रहे हैं। स्टूडेंट, हमें पता है कि तैयारी का बहुत कम टाइम मिला, तो आज हम यहाँ पे फिजिक्स पेपर सेकंड की बात करेंगे। तो तरंगे, ध्वनिकी और गैसों का अणुगति सिद्धांत का जो पेपर है उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की यहाँ चर्चा करेंगे। तो स्टूडेंट, सभी को पता है, मैंने पिछली क्लास में भी बात की कि इस बार जो एग्ज़ाम हो रहे हैं 2021 के कोरोना के बाद, उसमें नया पैटर्न किया गया है एग्ज़ाम का। तो उसमें क्या किया गया है, टाइम जो 3 आवर्स का होता है उसको रिड्यूस करके 1.5 आवर्स यानी कि 1.5 घंटे का टाइम किया गया है। नंबर उतने ही रखे हैं, 45 ही मैक्सिमम मार्क्स, और तो सेक्शन वाइज भी पेपर अटैम्प्ट है वो भी रिड्यूस किया गया है। स्टूडेंट देखो, तो सेक्शन ए के अंदर मैंने पहले भी बात की है कि 10 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से केवल 6 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं हमें। फिर बात आती है सेक्शन बी की, तो उसमें 5 क्वेश्चन आते हैं, उसमें हमें कोई भी 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और सेक्शन सी में तो ओनली 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है आउट ऑफ 5 क्वेश्चन। तो स्टूडेंट, ये अपना एग्ज़ाम पेपर पैटर्न है कि टाइम जस्ट आधा किया गया है, हाफ किया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग पेपर को भी सेक्शन वाइज रिड्यूस किया गया। तो ये तो अपने पेपर पैटर्न की बात हुई स्टूडेंट। इससे पहले की क्लास में हमने पेपर फर्स्ट की बात भी की थी, उष्मागतिकी, जो बेस है सांख्यिकी, भौतिकी एवं उष्मागतिकी। तो उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, यदि किसी स्टूडेंट ने वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं देखे तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ से वो क्लास भी देखिए। तो आज हम बात करते हैं सेक्शन वाइज अपने पेपर सेकेंड, तरंगे, ध्वनिकी और गैसों का अणुगति सिद्धांत से जो रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आने के पूरे पूरे चांस है, उन प्रश्नों के बारे में बात करते हैं। तो देखो, मैं सेक्शन वाइज आपको क्वेश्चन बताऊंगा स्टूडेंट। तो सबसे पहले सेक्शन ए की बात करते हैं। सेक्शन ए में स्टूडेंट 10 क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, जिनमें हमें केवल और केवल 6 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, माध्य मुक्त पथ से क्या आशय है, समझाइए। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट, नियत दाब व नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा को समझाइए। फिर थर्ड क्वेश्चन है, चार्ल्स का नियम लिखिए। फोर्थ क्वेश्चन है स्टूडेंट, गैसों के गत्यात्मक सिद्धांत की अवधारणाएं कह सकते हैं, अभिकल्पनाएं कह सकते हैं, परिकल्पनाएं कह सकते हैं, तो अवधारणाएं यानी कि कॉन्सेप्ट्स लिखिए। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है स्टूडेंट, ऊर्जा समविभाजन नियम लिखिए। फिर सिक्स्थ क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्रांतिक नियतांकों को परिभाषित कीजिए। तो स्टूडेंट, क्रांतिक नियतांक यानी क्रांतिक ताप, क्रांतिक दाब और क्रांतिक आयतन, उनको परिभाषित करना है, यहाँ पे परिभाषा लिखनी है। फिर क्वेश्चन नंबर 7,
व्युत्क्रम ताप यानी कि इन्वर्स टेम्परेचर पर टिप्पणी लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। जूल थॉमसन प्रभाव क्या है समझाइए। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है स्टूडेंट, रेफ्रिजरेटर का कार्य गुणांक का सूत्र फॉर्मूला लिखिए। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन है स्टूडेंट, किसी गैस की अवस्था समीकरण से आप क्या समझते हैं। तो स्टूडेंट ये सेक्शन है के मोस्ट इम्पोर्टेंट 10th क्वेश्चन। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों की। तो देखो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11th, मैक्सवेल का वेग वितरण का नियम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 12th, स्पेक्ट्रमी रेखाओं के डॉपलर विस्तार से आप क्या समझते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, मैक्सवेल वेग वितरण नियम के आधार पर माध्य वेग अधिकतम संभाव्य प्रायिक वेग एवं वर्ग माध्य मूल वेग का सूत्र लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14, ऑक्सीजन के लिए केल्विन ताप पर अधिकतम प्रसंभाव्य चाल ज्ञात कीजिए। जहाँ स्टूडेंट हमें आर का मान दिया है 8.3 जूल प्रति केल्विन इंटू मॉल तथा
कैपिटल एम का वैल्यू दे रखा है, O2 है ऑक्सीजन, तो 32 स्टूडेंट। फिर नेक्स्ट 15th क्वेश्चन, 15वां प्रश्न है, अप्रगामी तरंगों को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट 16th क्वेश्चन, 16वां क्वेश्चन है स्टूडेंट, व्यतिकरण एवं विस्पंद बीट में अंतर लिखिए। नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन है स्टूडेंट, अनुदैर्ध्य व अनुप्रस्थ तरंगों में अंतर लिखिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 18 यानी 18वां क्वेश्चन, सोनार पर टिप्पणी लिखिए। तो स्टूडेंट ये अपने 18 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन ए के लिए। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 यानी 19वां क्वेश्चन दे रखा है स्टूडेंट, प्रश्न दे रखा है, शोर एवं संगीत में अंतर स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 यानी कि 20वां प्रश्न क्या दिया गया है, संस्कारित संगीतीय पैमाना को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 तरंगों के अध्यारोपण यानी सुपरपोजिशन स्टूडेंट से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 यानी कि प्रश्न नंबर 22, ध्वनि तरंगों के परावर्तन का परावर्तन के नियम लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 मानव कारण के लिए श्रव्य ध्वनि जो सुनने लायक स्टूडेंट ध्वनि है कि आवृत्ति फ्रीक्वेंसी कि न्यूनतम व उच्चतम यानी मैक्सिमम लिमिट सीमाएं क्या है। तो स्टूडेंट ये अपने सेक्शन ए के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 23 क्वेश्चन, जिनमें से आपको कोई वहाँ पे 6 करने हैं, आपको इनमें से कोई 10 क्वेश्चन आपके पेपर में मिलेंगे जिनमें से आपको 6 क्वेश्चन वहाँ पे अटेम्प्ट करने हैं। अब बात करते हैं सेक्शन बी के लिए, देखो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखो सेक्शन
बी से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो यूनिट फर्स्ट से क्वेश्चन नंबर ए, आदर्श गैस के लिए रुद्धोष्म परिवर्तन से आप क्या समझते हो या क्या समझते हैं? रुद्धोष्म स्टूडेंट जो एडियाबेटिक है परिवर्तन के लिए प्रेशर तथा वॉल्यूम, टेम्परेचर तथा वॉल्यूम व टेम्परेचर तथा प्रेशर में संबंध ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट बी, ऊर्जा के सम विभाजन नियम को लिखिए। एक परमाणु कोमा द्वि परमाणु व त्रि परमाणु गैस की मोलर विशिष्ट ऊष्मा व गामा का मान ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट सी, माध्य मुक्त पथ का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। तो ये स्टूडेंट सेक्शन बी के लिए यूनिट फर्स्ट से मोस्ट इम्पॉर्टेंट तीन क्वेश्चन। अब बात करते हैं यूनिट सेकंड से क्वेश्चन नंबर थर्ड ए, आदर्श तथा वास्तविक गैसों के लिए जूल थॉमसन गुणांक की गणना कीजिए। यानी कि जूल थॉमसन गुणांक है वो आदर्श गैस और वास्तविक गैसों के लिए हमें ज्ञात करना है। फिर बात आती है क्वेश्चन नंबर सेकंड बी, पुनर्निवेशी शीतलन सिद्धांत को समझाइए। चित्र सहित कार्य प्रणाली का वर्णन कीजिए। फिर बात आती है पार्ट सी थर्ड क्वेश्चन, क्रांतिक ताप क्रांतिक दाब व क्रांतिक आयतन से आप क्या समझते हैं?
वांडरवाल्स समीकरण से इनको ए बी व आर के रूप में व्यक्त कीजिए। तो स्टूडेंट ये अपने यूनिट फर्स्ट और सेकंड से सेक्शन बी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और उसे नोट कर लो इन क्वेश्चनों को स्टूडेंट। अब बात करते हैं अपन यूनिट थर्ड फोर्थ और फिफ्थ से सेक्शन बी के लिए। तो देखो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर ए सेबिन का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। नेक्स्ट बी सेकंड क्वेश्चन सिद्ध कीजिए कि अणुओं की माध्य चाल सी बार सर्वाधिक या मैक्सिमम या अधिकतम प्रसंभाव्य चाल सीएम तथा वर्ग माध्य मूल चाल CRMS है। क्या है स्टूडेंट देखो सी बार है अपने पास अंडर रूट 8 KT अपॉन एम पाई। मैक्सिमम पर संभाव्य चाल अंडर रूट 2 KT अपॉन एम और वर्ग माध्य मूल चाल यानी CRMS दी हुई है स्टूडेंट अंडर रूट 3 KT अपॉन एम। यहाँ प्रतीकों के सामान्य अर्थ प्रचलित है। तो स्टूडेंट ये हमें प्रूव करना है कि ये फॉर्मूले इस प्रकार से ज्ञात किए जाते हैं। तो हमारे पास ये रिजल्ट आता है। फिर थर्ड पार्ट स्पेक्ट्रम रेखाओं की डॉपलर चौड़ाई का वर्णन कीजिए। तो स्टूडेंट ये अपने यूनिट थर्ड से मोस्ट इम्पॉर्टेंट तीन क्वेश्चन सेक्शन बी के लिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों के लिए। तो देखो अब यूनिट फोर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो क्वेश्चन नंबर फाइव एक समान खींची हुई रस्सी में अनुप्रस्थ तरंग के वेग का व्यंजक ज्ञात कीजिए। बी पार्ट दो आर्गन पाइप एक साथ
ध्वनित करने यानी एक साथ बजाने पर करने पर फाइव विस्पंद उत्पन्न करते हैं। इनकी लंबाइयों का अनुपात 50:51 है तो इनकी आवृत्तियां यानी फ्रीक्वेंसीज ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट सी, प्रास्रव्य तरंगों के अनुप्रयोगों यानी एप्लीकेशंस पर संक्षिप्त टिप्पणी यानी शॉर्ट नोट्स टिप्पणी लिखिए। तो ये अपने यूनिट 4 से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब बात करते हैं यूनिट 5 से 6A ध्वनि तरंगों का अपवर्तन समझाइए। नेक्स्ट सोनार तंत्र का सिद्धांत व कार्य प्रणाली समझाइए। नेक्स्ट सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन, सीमा पर डोरी में तरंगों का परावर्तन एवं पारगमन को समझाइए। तो स्टूडेंट ये अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन बी के लिए पांचों यूनिट से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इनमें से आपको कोई 3 क्वेश्चन करने हैं 3 यूनिट का चुनाव करते हुए। अब बात करते हैं सेक्शन सी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो देखो सेक्शन सी से देखो क्वेश्चन नंबर 7, गैसों में अभिगमन घटनाओं का सविस्तार से वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द्रव हीलियम के विभिन्न गुणों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, किसी गैस के लिए मैक्सवेल के वेग वितरण नियम को प्रतिपादित कीजिए
जनरेट करना है स्टूडेंट किस प्रकार से। फिर क्वेश्चन नंबर 10, अप्रगामी तरंगों में ऊर्जा प्रवाह व ऊर्जा स्थानांतरण की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, सुस्वर ध्वनि के अभिलक्षणों का सविस्तार वर्णन कीजिए। तो स्टूडेंट ये अपने जो फिजिक्स सेकंड का जो पेपर है उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर में लगभग आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो सभी स्टूडेंटों से मैं कहना चाहूँगा कि एक बार एग्ज़ाम से पहले इन क्वेश्चनों को अपने पास जो भी नोट्स हैं गाइड हैं उनमें एक बार अवश्य देख के जाएँ और इसी के साथ पढ़ते रहिए। एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।